Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस फिर से प्रेजेंट हो गया है. फ्रेंड्स, जब मैंने इस पतंग को बनाया था तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेल किया मेरे को, बोला कि अंकल इस पतंग से काइट फाइटिंग की तो छोड़ो, ये तो उड़ेगी ही नहीं. अब मेरे को नहीं पता उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, अभी हम लोग इसको ट्राई करके देख रहे हैं और ट्राई करने जा रहे हैं. लेकिन आपको बता दूं कि इसका कमांड ठंडा बहुत ही परफेक्टली लगाया गया है और मेरे को पूरा होप है कि ये उड़ेगी. ना उड़ने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर मेहनत किया गया है. फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से देखें तो इसकी ये पूरा के पूरा एकदम इक्वली छील करके लगाया गया है. यहाँ से पूरी इसकी टेपिंग की गई है, धागा नहीं यूज़ किया. हम धागा कभी भी यूज़ नहीं करते. फ्रेंड्स, आपने मेरे जितने भी पहले भी पतंग देखी उसमें धागा नहीं यूज़ हुआ है और इसमें भी देखिए धागा नहीं यूज़ हुआ है. तो चलिए इसको हम थोड़ा सा उड़ा करके देखते हैं और उड़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा झप मोड़ लेते, पता नहीं क्या होगा. अगर नहीं उड़ी तो बहुत बेइज्जती होगी. फ्रेंड्स, उड़ जा मेरे भाई. ओए, उड़ गई उड़ गई. ओ माय गॉड, ये तो सही उड़ रही है. फ्रेंड, ठुमक ठुमक करके उड़ रही है ये. ओए, चक्कर भी ले रही है, चक्कर भी ले रही है. वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या डिजाइन है फ्रेंड्स इसकी. और इस पतंग का हमने नाम रखा है, इसका नाम हमने रखा राइट चक्कर भी सही है. फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम परफेक्ट उड़ती है. मैं आपको बता दूं, इससे काइट फाइटिंग हो सकती है अगर चक्कर ले रही है. और इसका मतलब ये है खींच भी सही है. फ्रेंड्स, इसकी बहुत अच्छी खींच है. ओ माई गॉड, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पतंग है. फ्रेंड्स, जिन लोगों ने, जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बोला कि पतंग ये उड़ेगी नहीं, देख लो अब आप अपनी आँख से देख लो, है ना, एकदम परफेक्ट उड़ रही. फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त पतंग है. आपको बता दूं, ओ क्या राइट चक्कर. अब इसका लेफ्ट चक्कर भी चेक करूं मैं. ओ ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट. वो लेफ्ट चक्कर भी सही है भैया, बहुत ही मस्त है. क्या बात है भाई, क्या बात है, एकदम देखिए एकदम परफेक्ट पतंग है. फ्रेंड्स, इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है, इसकी डिज़ाइनिंग हमने अपने पास खुद करी है. इसकी कोई कॉपी नहीं करी मैंने किसी से भी, और ये हमारी अपनी डिज़ाइनिंग है. और फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स इस तरह की पतंग बनी है. और ये एक फाइटर काइट बना दिया फ्रेंड्स हमने इसको. और आपको बता दूं कि इसका हमने नाम रखा है हैंग ग्लाइडर. हैंग ग्लाइडर बिल्कुल इसी तरह से दिखता है फ्रेंड्स, जो हैंग ग्लाइडर उड़ाते हैं लोग स्पोर्ट्स के लिए उड़ाते हैं. आपने देखा होगा हैंग ग्लाइडर को उड़ते हुए, बिल्कुल हैंग ग्लाइडर कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, काफ़ी हद तक दिखता है. फ्रेंड्स, कुछ कुछ नहीं, काफ़ी हद तक दिखता है. और क्या परफेक्ट लेफ्ट चक्कर दिया इसने, बहुत ही अच्छा लेफ्ट के अंदर घुस गया, ओपोनेंट के अंदर घुसा हुआ है. मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ, अभी ओपोनेंट का है. आज तो करीब 3 हफ्ते बाद तो हवा चली है फ्रेंड्स. बहुत ही बढ़िया पतंग है फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट है. इससे काइट फाइटिंग पूरी तरह से हो सकती है फ्रेंड्स. अगर इजाजत मिल जाए, क्लब वाली इजाजत दे दे तो फ्रेंड्स इसमें क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड में जाकर के इससे काइट फाइटिंग हो सकती है. फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको कि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में एक ही चीज़ को बहुत दिनों तक घसीटते रहते हैं. अब जैसे पोने की पतंग है, काफ़ी लंबे अरसे से एक ही डिज़ाइन, अद्धी मजोली सब एक ही डिज़ाइन की होती है फ्रेंड्स. लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं चेंज करता रहता हूँ फ्रेंड्स. अब ये देखिए, कौन नहीं कहेगा कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट पतंग है फ्रेंड्स, बिल्कुल. इससे आपको खींच के भी लड़ा सकते हो, इससे ढील से भी लड़ा सकते हो, फंसा के लड़ा सकते हो, थपकी मार के भी लड़ा सकते हो फ्रेंड्स. थपकी भी चेक करता हूँ इसका, बिल्कुल थपकी से भी लड़ जाएगा फ्रेंड्स. बहुत अच्छी थपकी पड़ रही है, मैं आपको बता दूँ. बिल्कुल एकदम जंप बहुत अच्छा है इसका, आप देखिए इसका जंप, एकदम जंप परफेक्ट जंप है. अगर आप ठीक से देखें तो इसका जंप बहुत अच्छा है, यानी ये थपकी मार के भी बहुत अच्छी लड़ेगी. और अगर आपका पेच फंस जाएगा, और ये देखिए, अगर लेफ्ट चक्कर देखिए कितना अच्छा है, और यानी ढील से भी काट देगा ओपोनेंट की पतंग को. ये देखिए राइट चक्कर भी बहुत परफेक्ट है फ्रेंड्स, यानी ये खींच के भी काट देगा. और देखिए स्पीड, देखिए इसकी बहुत ही अच्छी स्पीड है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त. बहुत अच्छी स्पीड है फ्रेंड्स, इससे आप खींच के लड़ाइए, चाहे ढील से लड़ाइए, कैसे भी लड़ाइए, थपकी मार के लड़ाइए, झप मार के लड़ाइए, हर तरह से फ्रेंड्स ये पतंग परफेक्ट है. अब हम लोग इसको जो है उतारने लग रहे हैं. ट्रायल हो गया फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ट्रायल हो गई है। जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरे को मेल किया बोला कि अंकल ये पतंग काइट फाइटिंग तो छोड़ो, ये लड़ भी नहीं सकती है। अरे भैया बहुत मेहनत करता हूँ यार, आप ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसी बात मत बोला करो। और इसको बिल्कुल एकदम वेल बैलेंस करके बनाया गया है। इसकी जो एक एक तिली, इसका जो कमान ठड्डा लगाया गया फ्रेंड, पूरा छील करके बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और ये जो है ढील से भी लड़ जाएगा, खींच के भी लड़ जाएगा, थपकी मार के भी लड़ जाएगा, और ये झप से भी लड़ जाएगा। जंप बहुत अच्छा है इसका फ्रेंड। तो अब हम लोग इसको उतारने लग रहे हैं, काफ़ी उड़ा लिया तो चलो इसको उतारते हुए भी दिखा दो जरा सा। बहुत ही अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि अब मैं जो है कई सारी इसी तरह की पतंग बनाऊंगा 15 अगस्त और मकर संक्रांति के लिए। अब इसको हम लोग उतारने लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। ये फ्रेंड्स पूरा एकदम फाइटर काइट है, ये शोबाजी के लिए नहीं है, ये अच्छे अच्छे उस्तादों की भी पतंग काट देगा फ्रेंड्स। अगर किसी खींच के लड़ाने के वाले के हाथ लग गया ना फ्रेंड्स, इससे धमाल मचा देगा फ्रेंड्स। क्योंकि इस पर देखिए ना, इसकी स्पीड इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर कट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट है, इसे हवा जो है बहुत अच्छी तरह से पास होगा। और उसके अलावा जो है ये साइड का जो दिया हुआ है, ये साइड का जो दिया हुआ है, यहाँ से भी बहुत अच्छा हवा पास होगा फ्रेंड्स। जैसे पौने की पतंग जो है, अगर आप पौने की पतंग से मिलाएंगे ना इसको, तो ये स्ट्रेट है। पौने की पतंग में इस तरह से कर्व होता है, वो देखिए हमारी पौने की पतंग रखी हुई है फ्रेंड्स। पौने की पतंग, इसको हम लोग इससे मिला करके देखें, अगर इससे हम मिला करके देखते हैं तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि इसके और इसमें कितना फ़र्क है, ये देखिए। अब आपको फ़र्क समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पौने की पतंग जो है यहाँ से इस तरह से आई है, इधर का भी आप देखिए यहाँ से इस तरह से आई हुई है पौने की पतंग। लेकिन इस पतंग की जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट आ गया है, ये स्ट्रेट है, यानी हवा को काटने में फ्रेंड्स ये इसके अंदर ज़्यादा दमखम रहेगा। तो चलिए, तो अब तो ये तैयार हो चुका है, अब इससे हम लोग काइट फाइटिंग करेंगे जल्दी, और 15 अगस्त और मकर संक्रांति में भी इसी पतंग से काइट फाइटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लैट सुमिन, को बहुत जल्दी काइट फाइटिंग के वीडियो से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।